हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। 28 मई को 2023 यूपीएससी ने कंडक्ट किया प्रीलिम्स एग्जाम। एंड इस एग्जाम में गवर्नेंस के पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करना आपके साथ विद एक्सप्लेनेशन, उनके क्या आंसर्स रहे, क्या रीजंस रहे उन क्वेश्चंस के पीछे गवर्नेंस के, ये सब डिस्कस करना इस सेशन का एजेंडा रहने वाला है। इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अब इस बार अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। उनको पता चलेगा कि कौन सा आंसर उनका सही है या कौन सा आंसर गलत है। एंड ना ही सिर्फ ये ब्लाइंडली एक आंसर की से मैच करके बिलीव कर लेना कि हो सकता है ये आपका आंसर गलत हो, एक एक्सप्लेनेशन के साथ, बैकिंग के साथ आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। मल्टीपल जगह आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा फिगर आउट करने में कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। सो एक शॉर्ट शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही रहा और कौन सा क्वेश्चन गलत रहा आप लोग के लिए। बट उसी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उस वीडियो की, वो है आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में जो भी एस्पिरेंट्स आगे इन फ्यूचर अपना प्रीलिम्स अटेम्प्ट करेंगे, उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के, चाहे वो मेंस के हों या प्रीलिम्स के, आपकी एक स्टैटिक सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिए हैं प्रीलिम्स में या मेन्स में, इन सब टॉपिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट होता है। किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को इस चीज की इंपॉर्टेंस बहुत क्लियरली ऑलरेडी पता होगी। सो इसी इंटेंशन के साथ मैं आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ गवर्नेंस के पोर्शन के लिए। गवर्नेंस के पोर्शन से जो ब्रॉडली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो चार क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक डायमेंशन रहती है, एक मॉड्यूल रहता है, जिसमें से स्पेसिफिकली गवर्नेंस को अगर मैं टारगेट करूं तो चार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एज पर ट्रेंड फाइन ही है। इतने ही क्वेश्चंस हमें गवर्नेंस से देखने को मिलते हैं। एंड विदाउट फर्दर एडू मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। अनीमिया मुक्त भारत, इस क्वेश्चन की इंस्पिरेशन यूपीएससी को कहाँ से आई है? अनीमिया मुक्त भारत को मेंशन किया गया था इस साल के बजट में, विच इज वाई यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स प्रोफिलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। फोर्थ स्टेटमेंट सेज, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉसेस ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हिमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। अब जो आंसर है वो है सी, यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी ओनली थ्री स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं इनमें से। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं देखते हैं। सो इंटरवेंशन अंडर अनीमिया मुक्त भारत आर, नंबर वन, प्रोफिलेक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, डीवॉर्मिंग इंटेंसिफाइड ईयर राउंड, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन, सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, फोकसिंग ऑन फोर की बिहेवियर्स। एंड सारे बिहेवियर्स यहाँ पे एनलिस्टेड हैं। एंड इसके साथ ही सारी एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो रीड कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे बजट कवर नहीं किया है तो यानी कि आप कुछ पोर्शन अपनी प्रिपरेशन में मिस आउट कर ही रहे थे। तो जिन्होंने ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे कवर किया है, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन की थी अपने प्रीलिम्स की, उनको डेफिनेटली
आइडिया होगा, तो ये मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी मैं मान के चलती हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना. देखिए गवर्नमेंट का एक पैटर्न है, सॉरी यूपीएससी का एक पैटर्न है. ऑफकोर्स गवर्नमेंट का, यूपीएससी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, तो यूपीएससी जो कमीशन है उसका एक पैटर्न देखने को मिला है हमेशा कि फ्लैगशिप स्कीम से जरूर जो है वो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. एंड जननी सुरक्षा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की. सो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है. इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स. देन सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मिटर्नल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन. देन इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन. एंड फोर्थ इज इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज. कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनमें से करेक्ट हैं? आंसर है टू ओनली. सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स हैं. देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये एक फ्लैगशिप स्कीम है इनफैक्ट सेंटर की. एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये जो मिशन है जननी सुरक्षा योजना का, ये कंडक्ट किया जाता है. यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव से कि मैटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो कम की जा सके, जहाँ पे न्यू नेटल मोर्टेलिटीज भी रिड्यूस करने की बात होती है, रिड्यूस करने के लिए टारगेट किया जाता है बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अमंग प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल में, ना कि घर पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, इस तरीके की जगहों पे, यानी कि एक प्रॉपर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में डिलीवरीज कंडक्ट करने के लिए प्रमोट किया जाता है, जिसके चलते मोर्टेलिटी को कर्ब किया जा सके. द स्कीम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स. ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए. मैं चाहूंगी कि इन सब एक्सप्लेनेशन का आप कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट अपने पास रखें या कहीं पे इनमें से अगर कोई पॉइंट, अगर आपके नोट्स ऑलरेडी हैं भी इस टॉपिक पे, तो अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको वहां मिसिंग फाइंड आउट हो तो जरूर एड कर लेना चाहिए. स्टेटमेंट थ्री इज अगेन करेक्ट, एज इट्स चीफ ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन. एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मैम दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल गए हैं, इट्स स्टेटमेंट टू एंड थ्री. तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो है टेक केयर करना प्रेग्नेंट वुमेन की एज अ टारगेट ग्रुप, ना कि हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना सिक इन्फेंट्स को. देखिए ये जननी सुरक्षा योजना है. जननी मीन्स मदर, मदर के लिए हिंदी टर्मिनोलॉजी है एक जननी. सो मदर को टारगेट करता है, ना कि इन्फेंट्स को अप टू द एज ऑफ 1 और एनी अदर एज. तो मदर्स के लिए है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, सो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स वाला स्टेटमेंट भी गलत है. ये दोनों स्टेटमेंट्स हालांकि सही हैं. एंड क्योंकि मैंने बताया कि ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, अगर आपने करंट अफेयर्स में नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं, तो कहीं ना कहीं जरूर एज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, ये एक स्टैटिक पोर्शन सिलेबस का पार्ट है गवर्नेंस के. सो ये जो क्वेश्चन है ये मैं कंसिडर कर रही हूँ कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल था इट वॉज लो, इट दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन एंड यू शुड हैव डन इट. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एच जी प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव. नंबर सेकेंड, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एच जी ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स. देन थर्ड स्टेटमेंट, द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. देखिए मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि दिस वन कैन बी ओवरलैपिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो ओवरलैप करता हुआ दिखता है इकोनॉमी के साथ, बट जो भी
क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम गवर्नेंस के सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पिक कर लिया है, एंड बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस जैसा कि हम सब जानते हैं देखने को मिल जाते हैं यूपीएससी में। सो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, कितने करेक्ट हैं वो पूछा गया है, एंड आंसर है बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है वो ओरिजिनली नबार्ड ने इनिशिएट किया था 1992 में, जिसकी वजह से स्टेटमेंट वन जो है, यानी कि एसबीआई वाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, वो गलत हो जाता है, एंड वहीं जो बाकी के दो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ही सही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंदर बैंक जो है वो एक एंटायर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है, एंड इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देता। इंडिविजुअल का लोन इंडिविजुअल का लोन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन है। हालांकि द सेल्फ हेल्प ग्रुप, वंस इट हैज एक्वायर्ड द लोन, इट कैन लेंड लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज कलेक्टिवली देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन टू द बैंक। चाहे वो उन्होंने बाद में एक इंडिविजुअल को डिस्पर्स कर दिया, पर सब ग्रुप के मेंबर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट द ग्रुप इज करेक्टली रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कि वो लोन्स का जो रीपेमेंट है वो बैंक को करे। इस वजह से स्टेटमेंट टू जो है वो बिल्कुल सही है। देन बोथ रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम, हेंस स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप कोई भी कंफ्यूजन इस रिगार्डिंग में नहीं होगी। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके प्लीज अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर वन, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। एंड स्टेटमेंट टू कहता है, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो पूछा गया है। आंसर है बी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ऑल्दो स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। क्लियरली कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला रिलेशन तो दोनों स्टेटमेंट्स में ही नहीं है, दोनों अपने आप में स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स हैं, स्टैंड अलोन फैक्ट्स हैं। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्योर करने पे, बीमारियों को ठीक करने पे ज्यादा ध्यान देता है, बीमारियां प्रिवेंट करने पे, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने पे, या लोगों को रिहेबिलिटेट करने पे जो लोग नशे में है, ड्रग्स वगैरह, एल्कोहलिज्म, इन सब चीजों से कंसर्न है। इस यहाँ तक उनकी रिहेबिलिटेशन तक, उस तरीके की सोशल डिजीजेस तक जो इंडिया का पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो अभी रीच आउट नहीं कर पाया है, बहुत लिमिटेड है उसका स्कोप अभी। एंड इंडिया का जो अप्रोच है वो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज है, हेल्थ बिल्कुल स्टेट के साथ, स्टेट्स जो हैं वो हेल्थ के सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली डील करते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए इंडिया में। सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, एज गोइंग बाय द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स रिपोर्ट मेजोरिटी एक्सपेंडिचर गोज टू क्यूरेटिव केयर। सो ज्यादा फोकस क्योर करने पे है, डिसीजेस को इलाज करने पे है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एज हेल्थ फाइंड्स इट्स प्लेस इन लिस्ट टू ऑफ सेवेंथ शेड्यूल। अब जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली एक इसीलिए पूछा गया क्योंकि एक स्टैटिक गवर्नेंस के पार्ट में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, या ये टॉपिक हमें देखने को मिलता है। बस एक यही रीजन रहा है, यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन से भी कवर करने की कोशिश करता है। करंट अफेयर इज नॉट द होल सोल रीजन बिहाइंड यूपीएससी फ्रेमिंग ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन ही, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो आप करंट्स भी कवर करके ले जाएंगे, एंड ये चीज हमेशा ध्यान रखते हुए ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसका भी डिफिकल्टी लेवल जो है वो मैं मॉडरेट कंसिडर करके चल सकती हूँ, जस्ट इन केस किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरीके की
क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की ना रही हो एस्पिरेंट्स में, जो कि देखने को मिल जाता है गवर्नेंस के पोर्शन में. थोड़ा सा जो एस्पिरेंट्स हैं वो नेग्लिजेंस जरूर कर देते हैं. सो दिस वॉज ऑल इन दिस डिस्कशन. ये सारी डिस्कशन आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूफ होगी, ऐसा मेरा बिलीफ है. एंड आई शेल सी यू अगैन. टिल देन टेक केयर.